एनिवर्सरी कौन सेलिब्रेट करता है, सही है ना? मैंने जब इनको देखा था ना, मैंने तभी हाँ कर दी थी भाई को, मैं बाद में मिला था। बोले ऐसे शोर, ऐसी बीवियां, ऐसे ससुराल के जोड़े ले, और ऐसे ससुराल वाले मेरे मालिक। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं बुढ़ा हो रहा हूँ ना, मेरा एनर्जी लेवल मजीद बढ़ता जा रहा है। चलो बोल फैला, तू क्यों बुढ़ा? अभी बुढ़ा हो गया हूँ और क्या रहेगा, चेक करो खड्डे पड़ गए आंखों के नीचे। कोई बात नहीं, मेहंदी बच्चे हो। पापा जी मेरी बात सुनो, और लोगों ने कमेंट किया ही नहीं, लोगों ने कहा कि नहीं नहीं भट्ट साहब को हमने लेके नहीं देनी बाइक, क्योंकि हमें भट्ट साहब की जिंदगी बहुत अजीज है, बाइक नहीं लेके देनी। अब क्या करना है, क्या ले आओगे? नहीं मेरी जान, तेनु साइकिल लाके देने। आपके यार कमेंट्स ना 2000 मांगे थे, वो 2000 से भी ज्यादा आ गए। क्या करना है उनका, चेक करो कितना खुश हो रहे, खुश चेक करो कितना हो रहे। ला लिया देख। 33,000 के ऊपर होना, और इससे भी ज्यादा कमेंट है। सारे कमेंट छोड़ो, मैसेजेस बहुत ज्यादा है कि बाइक लेके दो बाबा को, बाइक लेके दो बाबा को। क्या करना उनका, इंशाल्लाह लेके दो। अच्छा जी, फैमिली कह रही है सारी, क्या कह रही है सारी, फैमिली कह रही है बाइक लेके दो। सोचते हैं यार, कुछ सोचते हैं, अभी बजट नहीं है फिलहाल, हालात बहुत टाइट है यार। आए सदके सदके। अच्छा जी, क्या प्लान है? याले सरकार टिकटॉक को एनका उनका साफ कर रहे हो हैं, काटे दी। आए आए आए, क्या बात। अच्छा जी, क्या प्लान है? प्लान ये है कि आप सबको पता है कि एक चीज, एक फंक्शन जो कि पेंडिंग है। ओए होए 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 होए, मम्मा जी कसम खुदा की फौरन उतार दो, फौरन उतार दो, जल्दी करो, मिनट लगाओ ये। हाँ आप प्यारे बहुत हो ना, मैं चलता हूँ आपसे। ये देखो मेरी क्लासेस लगा के शोकिया मारी, मॉडलिंग, मैं मॉडलिंग करके दिखाऊंगा, मॉडलिंग करो। अच्छा जी, आप सबको पता है कि एक फंक्शन हमारा पेंडिंग जा रहा है, गजल और जवाद की एनिवर्सरी पेंडिंग जा रही है, 100K की ट्रीट पेंडिंग जा रही है। हाँ जी, लग रहा जैसे मैं नई नई आंखें बनवाई है। क्या नई नई आंखें बनवाई है? नई नई आंखें बनवाई है तो बनाओ, बिल्कुल माफ करे। अच्छा जी, गजल जवाद की एनिवर्सरी पेंडिंग जा रही है, उनके गिफ्ट आए पड़े हैं जो कि ये रखे हुए हैं, लेकिन गिफ्ट तो दो ही थे भाई, इसके अंदर मजीद एडअप क्या हुआ है, एडिशन क्या हुआ है, बताएं जरा मुझे। ये मैंने केक मंगवाया उसके घर जाने के लिए। ओके जरूरी है। ये मैंने अपनी बेटी का सूट रखा। ये सूट आपने कब मंगवाया, मुझे तो पता ही नहीं इसका। जान मैं माँ हूँ, मैं तैयारी करके रखी है, मेरे ये जवाद का सूट है। आए आए आए, ये आ गया जी गजल का सूट, और ये आ गया जी जवाद भाई का सूट, और ये आपको याद होगा हमने एडिडास के शूज लिए थे भाई के लिए इस्लामाबाद से, और ये गजल के लिए हमने वॉच ली थी सेम, ये भी पकड़ो 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 इस्लामाबाद से। तो ये हमने तब ही देने थे ना जब उन्होंने कोई पार्टी शार्टी देनी थी। आज जो मेरी नॉलेज के अंदर बात है वो ये है कि गजल को सरप्राइज दे रही है उसकी फैमिली, ठीक है, जवाद भाई, अफजद भाई, अम्मा बाबा सब सरप्राइज दे रहे हैं गजल को। उन्होंने एक लंच का इंतजाम किया हुआ है जहां पर 100K की ट्रीट भी मिल जाएगी, और उनके गिफ्ट्स हम उन तक डिलीवर कर देंगे। ठीक है मजी, चलिए सब रेडी। पापा जी मेरी बात सुनो, कुछ स्टाइलिंग स्टूलिंग करवा लो, बाल आपके हिल रहे होंगे। नेचुरल एंड नेचुरल नहीं है, नेचुरल ब्यूटी जिस तरह की मेरी हो रही है ना, तो नेचुरल ब्यूटी वो ताड़ी भी हो रही नहीं है। वही मैं बड़ा फर्क पड़ा मामा जी, वो मैंने अभी एक एक्सोजोमिया करवाया, मुझे अपने बाल खुद घने घने लग रहे, चेक करो आपको लग रहे है ना। आए गंजा नहीं होने दूंगा। अच्छा मेरी बात सुनो, ईमान को भी लेके जाना। वही तो कह रही, तूने यहाँ पे इतना टाइम कर, जल्दी निकल बेटा। चलो रास्ते से आपकी भाभी को पिक करते हैं और पहुंचते हैं, सामान ले आओ मेरी जान, आ जाओ। तुम्हें नहीं जाना साथ, क्यों? बड़ी बड़ी फिल्म है अल्लाह जी, कैसे मैं घर जा रहा हूँ, चला जल्दी कर। भाई जान मैं तो स्लीपर्स में ही निकलने लगा था, अवैस ने पीछे से आवाज दिया कि भाई शूज तो पहन लो। चलो बिस्मिल्लाह। आगे जी हमारे गिफ्ट्स, और ये आगे हमारे सूट जो हमने सिलने देने हैं, अल्लाह खैर करे दे दे। सही, हाँ जी आपने देते, मैं ही जाऊंगी देने। दे दूंगा यार, क्या हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। घर से निकल चुके हैं, मोहम्मद घर से निकल चुके हैं, आपकी भाभी को कॉल कर दिया, वो रेडी हो रही हैं, इंशाल्लाह हमारे पहुंचते तक रेडी हो जाएंगी, फिर हमने गिफ्ट्स पैक करवाने हैं, और फिर रेस्टोरेंट पहुंचना है, और टाइम पे पहुंचना है क्योंकि लंच की स्लॉट की हमारी बुकिंग है, अगर लेट हुए तो खाना नहीं मिलेगा भाई। आए 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 कसम से सुकून हो गया जिंदगी में, जब से हाइब्रिड गाड़ी ली है ना, हफ्ता हफ्ता दो दो हफ्ते पेट्रोल पंप की शक्ल ही देखनी नहीं पड़ती। आइए क्या हाल है, पता कितना वेट किया हमने, आपने बताया भी
शॉर्ट नोटिस पे नहीं, पूरा एक घंटा पहले बताया मैंने तुम्हें, तैयार होने में टाइम लगता है लड़कियों को। ये बात भी सही है। गिफ्ट पैक करवा लेते हैं भाई, बड़ी मुश्किल से एक शॉप मिली है। अच्छा जी, अभी पैक करवाना है, केक पैक करवा के क्या करना है, ये पैक करवा लेते हैं, ठीक है। ये पकड़ो भाई, कोई काम करो, शाबाश, बिस्मिल्लाह। एक मिनट, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया। ओके चल भाई, रैपिंग शीट्स, लेकिन रैपिंग शीट्स यहाँ पर ना हैप्पी बर्थडे की ही सारी हैं, एनिवर्सरी की नहीं है। एनिवर्सरी वैसे भी कौन सेलिब्रेट करता है, अच्छा दिन सेलिब्रेट करते हैं, एनिवर्सरी कौन सेलिब्रेट करता है, ऐसे ही है ना। एनिवर्सरी याद रखने वाली चीज नहीं है, लोगों ने सेलिब्रेट क्यों करनी, देख लो सारी बर्थडे के हैं, ठीक है। आई लव यू, आई लव यू है, एनिवर्सरी वाला कोई रैपिंग शीट नहीं है। कोई भी ले लेते हैं फिर यार, पकड़ लो कोई भी। चलो जी, एक ये ले लो और एक एक कितने निकाले, दो तीन है बस, ठीक है, सारी इसी में पैक करवा लो, ठीक है, ओके ले चलो। चलो जी, ओके लाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो भाई चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो भाई वापस अपनी जगह पे लाओ भाई, थैंक यू। चलो जी, अल्लाह। ओके जी, काम शाम सारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लेट भी नहीं हुए, लेकिन ये है कि सारे पहुंच चुके हैं। आमना, अज़द, जवाद भाई, नहीं जवाद भाई तो गजल को लेके कहीं साइड पे बैठे हुए ना, गजल के लिए सरप्राइज है। अम्मा और बाबा सब पहुंच चुके हैं, हमारा वेट हो रहा है बस। जैसे ही हम पहुंच जाएंगे फिर जवाद भाई को हम कॉल कर देंगे, वो गजल को लेके आ जाएंगे। फिर हम जवाद भाई से पूछेंगे कि हमें बताएं कि गजल को क्या कह के उठाया है, इतनी सुबह सुबह जो उसको उठाया है, उसके लिए सरप्राइज है ना, उसे नहीं पता कि हम सब आए हुए हैं, उसे सरप्राइज देते हैं और पहुंच के पूछते हैं भाई से कि भाई क्या कहा आज गजल, इतनी जल्दी उठ कैसे गई। ओके जी, तो पहुंच चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम, की हाले टिको ना, अस्सलाम वालेकुम, की हाले कुड़ी साडी नु दुड़ा 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 ला के मुंडे ने ना पतला कर सरप्राइज। आई लेट ही ना बाबा, बाबा नहीं मैं टाइम पे आ गया ना, नहीं यार आज मैं टाइम पे जानी, हमने टाइम ही आगे करा दिया। अच्छा जी, जवाद भाई और देखो कौन कौन आया, स्पेशल गेस्ट ले गया हूँ आपके लिए। अच्छा जी, जवाद भाई और गजल भी यहीं पे कहीं पे हैं और वो घूम रहे हैं। जवाद भाई ना उधर मुड़ गया, चलो चलो आए आए आए, 100K का केक भी बना हुआ भाई। अच्छा हम ऐसे करते हैं हम अंदर चले जाते हैं ना, वो कहेगा मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं, ठीक है, तो वो आके यहाँ बैठे कि तुम। अच्छा जवाद भाई ने ये कहा हुआ है कि मेरे फ्रेंड ने पार्टी दी है, की है माल कट्ठा किया जबरदस्त, किधर रह गए दोनों, कहाँ रह गए। ओके ओके, वो देखो भाई, वो जवाद भाई है, ये कोई फैन फोन मिल गए हैं और साथ ही होगी गजल भी, वो है गजल। अभी ये बहुत दूर है, ये आपको यहाँ से करीब लग रहे हैं, बहुत दूर है, ये आ रहे हैं आ रहे हैं, और चलो सामने आओ, कितने चले गए, दिखाता हूँ, रुको दिखाता हूँ दिखाता हूँ दिखाता हूँ, ए अभी निकलेंगे यहाँ से, नजर आएगा हमें, निकलेंगे, निकलाओ भाई निकलाओ, फिर आ गए ने, ये आ गई ये आ गई ये आ गई ये आ गई, अच्छा खासा दूर है, ऐ ऐ ऐ ओ चेक करो चेक करो, पीछे हो जाइए, फटे ना जमा में। ओके भाई, सरप्राइज रिवील करने का टाइम हो गया है, आराम आराम से चलते हैं, और इसको नहीं पता है, को नहीं पता है, और गजल पीछे तो हो, क्यों पीछे क्यों, तू पीछे हो। अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी एनिवर्सरी, आए आए आए, मेरी जान का टोटा, मेरा काका भाई, आपको भी हैप्पी एनिवर्सरी, बंदे आज कोई जिंदगी नहीं, बंदे आज कोई जिंदगी नहीं, आए भाई मैं भी आया हूँ, मैं भी आया हूँ, आए आई सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, डर गई बदतमीज, डर नहीं की, तू आज जल्दी जल्दी उठ गई है ना इसलिए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ये आपके लिए बुके आए हैं ब्रो, थैंक यू, और देख तो सही है, इधर वे नेर लगा है, इधर वे इधर वे इधर वे इधर वे इधर है, जफ्फी जफ्फी ने पाला यार, जफ्फी ने पाला, जफ्फी ने पाला, हैप्पी, दोस्त नहीं आए अभी तक, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मुझे कहते हैं दोस्त नहीं आए अभी तक, मैं दोस्त नहीं आया, मैं कब 10 मिनट तक इंतजार करें भाई, कैसे उठाया, कैसे आज क्या किया भाई जान, मैंने इसको उठाया है, मैंने इसको बोला कि यार मेरे ना बड़े ही दोस्तों का खाना, चलो आज मेरे साथ जल्दी, अच्छा तो मुझे कहती है किधर जाना है किधर जाना है, मैंने कहा हमने ना जाना है रेस्टोरेंट के अंदर, कहती है अच्छा चले चलते हैं, तो बस मैं इसको मैं ले आया, उसके बाद फिर आपके सामने मजा, अरे मजा आया, इंजॉय हुआ, चलो बैठो बैठो बिस्मिल्लाह करो, बैठो 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 भाई, आए हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, खुश रहो, आबाद रहो, सदा सलामत रहो, और एक दूसरे के साथ रहो, और हमें जल्दी जल्दी, मुझे तो मामू बनाओ, हाँ इको गाल माँ जी, इको गाल, इको गाल,
अच्छा जी आज तो नहीं, खैर आज तो नहीं, 10-12 दिन पहले पूरा एक साल हो गया था शादी को, ठीक है। तो मैं कुछ कहना चाहूंगा और जब मैं कुछ कहूंगा तो खड़ाक तो होंगे। हमारी फैमिली को ये भी बता दें, हाँ जी, जिस खूबरू इंसान के लिए लेट हुआ था ना, ये खुद ही है। हाँ जी हाँ जी, मेरे लिए ही लेट हुआ था, मुझे बताया, लेकिन मेरी बात सुने ना, आज पूरा एक साल हो गया आपकी शादी को। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे इजाजत है। जी जी, इजाजत है। गजल साहब इजाजत है। अच्छा, मैं कभी पैरा बोलिया, मेरी बात सुनना, इजाजत है मुझे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आज इस पूरे एक साल के मौके पे। हैं यार, मैं बुरा कब बोलता हूँ? चलो मोबाइल फड़ो, कोई मोबाइल फड़े यार, तुम मोबाइल फड़ो। अच्छा जी, आज पूरा एक साल हो गया, शादी हुई मेरी बेटी की मेरे भाई के साथ, ठीक है। तो ऐसा है कि जब इसकी शादी होने लगी थी ना, ये माशाल्लाह डॉक्टर है, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा था, मैंने इसको पूछा था, इसका राइट है, शरई हक है कि बच्चे आप किसी को पसंद करते हो या ऐसा कोई सीन है तो आप मुझे बताओ, क्योंकि आप डॉक्टर हो और आपके कैलिबर का ही बंदा आगे होना चाहिए। मैंने पहले भी एक दो बार इंटरव्यू में भी बताया, शी सेड नो कि ये आपका राइट है, आप ही करें। मैं कहा चल ठीक है, तुम्हें किसी ने पसंद नहीं किया होना, कोई गल नहीं है। लेकिन ये है, जब मुझे ये इजाजत मिली, मैं बहुत कंफ्यूज था, बहुत शदीद कंफ्यूज। ये मेरी प्रॉपर जिम्मेदारी मेरे सर पे है कि मैंने करना है, वो कल होता है कि भाई आपने किया था, कुछ भी होता है, ठीक है। शी इज द वन, ये वो लेडी थी और ये भाई थे और ये बाबा थे जो हमारे घर आए थे, एक ग्रुप के जरिए रिश्ता हमारा हुआ, मेरे घर आए। मैंने जब इनको देखा था ना, मैंने तभी हाँ कर दी थी, भाई को मैं बाद में मिला था, भाई को मैं सेकंड मीटिंग में मिला था। आप लोग काफी कमेंट करते हैं कि आपके रिश्तेदार हैं या ऐसा वैसा, कुछ नहीं, हमारे अननोन रिश्ता हुआ था, हम लोग बट हैं और अम्मा लोग जो है वो शेख हैं, ठीक है। मैंने अम्मा को देख के ही हाँ कर दी थी, क्योंकि जवाद भाई, ये बात सच्ची है, हाँ, जवाद भाई और अर्जुन भाई कोई बहन नहीं है, कोई बहन नहीं है, दो भाई ही हैं। तो जो अम्मा ने इसके तरफ प्यार दिखाया था, जिस तरह इसको वेलकम किया था ना, मैंने उसी वक्त यहाँ कर दी, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न था, जिस तरह मैंने अपनी बहन रखी हुई है, अगले घर जाके भी इस तरह ही रहे, मेरी बहन नहीं, सबकी बहन है, जिस तरह अपने घर में है, अगले घर जाके भी इसी तरह रहे। और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपनी बेटी के लिए जो है वो डिसीजन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक लिया। आप कोई शिकायत मुझसे है? कोई शिकायत? उस टाइम पे ना शी वॉज अ बिट कंफ्यूज कि भाई देख लेना, आप बहुत जल्दी कर रहे हैं, अभी आपने देखा है और दूसरी बार में मुलाकात आपने, दूसरी मुलाकात में आपने हाँ कर दिया। मैं कहा मैंने देख लिया, तो देखो जितनी सी दुनिया मैंने देखी हुई थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने हाँ कर दी। और इस ये जो ब्यूटीफुल लेडी है ना, इसके मुंह को देख के मैंने फौरन कर दी। उसके बाद मेरा भाई पूरा पूरा अपनी माँ की तरबियत में उतरा और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फुली सेटिस्फाइड विद हिम, विद हिज पूर, विद हिज होल फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम रखे, दायम रखे, और आपको 2-3 मेरा मन मकबूल हो, मकबूल इतना अच्छा शोहर देने के लिए बहुत शुक्रिया। नहीं, ये खुशी क्या होता है, मैं दुख से नहीं रोती, अल्लाह माफ कर, अल्लाह पर सवाल जवाद ने अपना आप प्रूव किया था, अम्मा का तो पहली मुलाकात पसंद कर लिया था मैंने। हाँ जी कंटिन्यू। नहीं बस ये कहना था, थैंक यू सो मच, ये जो मेरे वालिद साहब ने ये रोते थे, मैं नहीं था रोया, नहीं तुम तो, फर्स्ट टाइम मैं रोया था इसके इसकी बारात पे जब ये जा रही थी, ओए होए होए जो मैं कहना चाहती हूँ वो इसलिए नहीं रो रही है, ना मंगनी में नहीं थी, ये इसलिए नहीं थी, ये बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन ना ये पत्नी में, ना निकाह में, ना शादी में, अभी ना ये निकाह पे, इसलिए नहीं होती, मैंने अपनी तरफ से कर दिया था, ये इसलिए नहीं शामिल होती क्योंकि ये वीडियो देख के रोती रहती है। चलो जी, गजल रोटी बहुत खाती है। अब आता है गजल का फेवरेट पार्ट, गिफ्ट मिलने की बारी। चलो जी बिस्मिल्लाह, सबसे पहले भाई का गिफ्ट आएगा, बिस्मिल्लाह, कर दे अनबॉक्स कर दे। You are the only one और ये भी वन, कर दे यार, अनबॉक्स कर दे, अनबॉक्स कर दे यार, अनबॉक्स कर दे, कर। आगे 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 आगे, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, थैंक यू। आए ये गजल ले देना है जवाद भाई को, यार कार्ड पढ़ा, यार कार्ड पढ़ा दे, देख ले
यार आ मैं ड्रामे ना कर यार पटा देख ला गजल पैन नहीं मेरी मैं नहीं मेरी चलो यार आगे आओ बड़ी सियानी अल्लाह की कसम कार्ड भी नहीं पटा रही ठीक है चलो आगे आओ आगे आओ आगे आओ किसकी बारी है ये भाई मेरी तरफ से है ये मेरी तरफ से है और ये गजल ये तुम्हारे लिए ये भी मेरी तरफ से है ठीक है और भट्ट साहब ने दे दिया मैंने रिकॉर्ड नहीं किया भट्ट साहब क्या दिया अगर मेरे पैसे वसूल ना हो जो मैंने आपकी बर्थडे पे खर्च किए थे तो मैं तुम्हें पहले चेक कर फिर बात करी भाई जी बाबा ने दिया ये हाँ जी और ये मेरा आओ पढ़ो 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 आए अच्छा भाईजान आपकी भाभी की गलती नहीं है मैंने उनको बताया ही एक घंटा पहले कि हम लोग जा रहे हैं ठीक है और वो रेडी हो गई हैं उनकी यही बड़ी मेहरबानी शुक्रिया अभी उन्हें कहा कि वो आ गई हैं थैंक यू सो मच हाँ सवा लाख है चलो आए ओ यार मेरी माँ ने पार चुके हैं परे हो परे हो परे हो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह इधर पार बेटा बड़े गिफ्ट मौजा मार आए यार ऐ वाला तो खोलो मैं क्यूरियोसिटी हो रही है की मेरा ख्याल रोला पाया डब्बे में डब्बा डब्बा रखिया अल्लाह बिस्मिल्लाह 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 जान जान इसमें क्या है राज की बात है ये राज भी उसके साथ अंदर ही आए जवाद भाई आज ते मौजा यार मेरा दोस्त रह गया मेरा ब्रो रह गया यार ब्रो आ जाओ आए खोल 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 यार हम चुप रहा भैया ओए 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 जान जी फड़ो तुसी भी फड़ो अच्छा दरअसल ना मर्दों को मिलती चीजें कम है ना भाई को आदत नहीं है भाई भूल जाते मुझे भी गिफ्ट मिल रहा है ना मुझे आगे किया बड़ी जाती ओके जी केक वगैरह कट हो गया जो सरप्राइज था वो रिवील हो गया और जो गिफ्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो भी हो गई अब सारे लाइन वाइज बैठ के वेट कर रहे हैं खाने का लेकिन जी शॉक बता रही है कि अभी 4-5 मिनट रहते हैं बूफे बूफे स्टार्ट होने में अभी 4-5 मिनट रहते हैं बूफे स्टार्ट होने में जैसे ही खाना खुलता है तो बट और शेख अंदर जाएंगे देख के बताते हैं आपको खाने के अंदर क्या क्या डिशेज है तब तक हमारा ये जो लगा हुआ है मसनूई क्या ये हीटर मसनूई हीटर ये भी ऑन हो जाएगा हाय बारी आ गई भाई बारी आ गई ये बड़ा हुआ जी इटालियन पास्ता सैलेड मेरा ख्याल है ये वो जो होते हैं ना स्टार्टर्स वगैरह वो है ये पिकल्स पड़े हुए हैं ना ठीक है मेन कोर्स की तरफ चलो ब्रो मेन कोर्स की तरफ ये आ गए आई थिंक सूप्स होंगे यस ये सूप्स आ गए यार एड्डा लंबा मेन्यू है सारा की हूं करना कवर करके एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज यहाँ देखी थी बारबेक्यू विंग्स और मिनी बर्गर जो कि हम एक बाइट में ही खा गए और उसके अलावा जी ये आ गया आपका क्रिस्पी कचौरी यार ये नहीं भाई ये रमजान का खाना नहीं क्यों खड़े हो आप लो जो लेना आओ आओ ये आपके खाने वाली चीज इधर पड़ी है ये देखो ये देखो ये एक खा लो आपका पेट भर जाएगा खा लो ठीक है मिनी बर्गर आए ओए मेरी फेवरेट है भाई भटूरे अच्छा आपको ना मैं सारा का सारा मैंने क्यों विजिट करवाना मैं कहना कोई रेस्टोरेंट ने स्पॉन्सरशिप मुकिया हुआ जो अपने खाना है ना वो दिखाता हूँ आपको वो देखो जी ब्लॉगर्स अपने काम कर रहे हैं ये सारा हमारा सेटअप है बुफे का ये एक चीज है जो मेरी अम्मा खाएंगी बस और कुछ नहीं खाएंगी साग ये कितना मिनी है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ आपको शायद ये पूरा बर्गर लग रहा हो लेकिन ये वाकई मिनी ही है देखो परे यो मिनी बर्गर आ गया जी परे यो मजा आया यार ये फिंगर फिश वाला ठीक है काम ये जो प्रॉन्स है ना ये बदबू कर रहे हैं ये चक्कर हां ओए परे कर ला भाई प्रॉन दो प्रॉन्स इकट्ठे हुए हैं चेक करो ये उसकी टांगे निकली हुई है ये चेक करो ये खाओ बिस्मिल्लाह करो खाओ नहीं भाई मुझे प्रॉन्स पसंद नहीं है फिंगर फिश और चाइनीज में एक दो चीजें हैं मुझे पसंद है प्रॉन्स नहीं पसंद ये इधर पसंद है ना सही बताओ चलो मेहरबानी शुक्रिया ओके जी खाना शाना खा लिया सेलिब्रेशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई वो जा रहा है कपल और ये लोग 2 घंटे पहले के इसी पार्क में घूम रहे थे किसी ना किसी बहाने से अभी ये लोग जाएंगे अपने घर और हम जाएंगे अपने घर लेकिन उससे पहले आपकी भाभी को ड्रॉप करेंगे भाई ओके भाई अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग खुश रहे आबाद रहे ओके ओके अपना बाय बाय ओके माँ जी अल्लाह हाफिज ओके बाबा अल्लाह हाफिज बाय ओके व्लॉगर बाय बाय ओके जी अल्लाह आपकी जाके मैं शुगर चेक करता हूँ अगर शुगर डिस्टर्ब आई ना बस फिर आप बचना मेरे से मान आपने एंजॉय किया
आपका फर्स्ट मीटअप था ना ऐसे हमारा फैमिली गैदरिंग में? सेकंड हाँ, पहले वो हमारा था कौन सा 100 के की मीट नहीं 50 के की सेलिब्रेशन थी गजल की तरफ से। हाँ जी हाँ जी। अम्मा जी आपने एंजॉय किया? बहुत शुक्रिया। खाना पसंद आया? बहुत। अम्मा को सबसे ज्यादा पसंद आए प्रॉन्स, ऐसी अम्मा जी? अम्मा को प्रॉन्स नहीं पसंद, जिसमें स्मेल आ जाती है ना वो चीज मैं पसंद ही नहीं है, ना अम्मा ना बाबा ना मैं। नहीं प्याज तो मैं खैर खाता हूँ, अम्मा को जरा ना स्मेल से इशू होता है, मुझे भी। खैर अभी चलते हैं आपकी भाभी को ड्रॉप करते हैं पहले। चलो जी ओके भाई, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा, खैर से जाओ। चलो जी ईद मिल लो पहले, बाय बाय। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। आए थक गया हूँ मैं मामा, कसम से बहुत दर्द हो रही है, कमर में बहुत दर्द हो रही है। मैं तो कसम से जबली ऐसे उठा के ना, मेरा तो मुझे मजा आता है, मैं अल्लाह के सामने यूं झोली उठा लेती हूँ कि मौला जिस तरह तूने मेरी बेटी को अपने घर में रंग लगाया, मेरी सारी बेटियों के बेटों के नसीब नहीं कर मौला, ऐसे शोहर ऐसी बीवियां ऐसे ससुराल वाले मेरे मालिक, मैं जितना शुक्रगुजार। बड़ा टची काम होता है, मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि अपनी बहन की शादी करनी है, अपने बाप की जिम्मेदारी मैंने पूरी करनी है, तो कुछ गलत काम उससे हो जाए, लेकिन मेरे मालिक ने बड़ा मान रखा मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह सारे भाइयों को भी मान रखे, सारी बहनों को भी बहादुर शाद अपने घरों में खुशियां दे, जो जो जिस जिसको चाहिए मौला रज के दे दे मालिक, तेरे दर के मौला सबकी खैर कर दे, किसी पीछे मेरे बच्चों को भी मौला नजर बस। लो जी इसी के साथ व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड, उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और कैसा नहीं लगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होती है मुलाकात कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज। बादरों शादरों।